हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टीनाज़ एक्टिविटी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। आज एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाने वाली हूँ, स्टफ्ड करेला, जिसे हम लोग भरवा करेला भी बोलते हैं। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ आज वही शेयर करने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिए रेसिपी को। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये रोटी पराठे के संग बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पे मैं 700 ग्राम्स करेला ले चुकी हूँ। ये बड़ा बड़ा साइज़ का जो करेला है वही लीजिएगा और उसे अच्छा से पील कर लीजिएगा। देखिए इस जिस तरीका से मैं पील कर रही हूँ, इसे ज़्यादा थिक थिक पील नहीं करनी है, वरना पूरा सीड्स विजिबल हो जाएगी, फिर स्टफ्ड करने में हमें बहुत परेशानी होगी। सबसे पहला ये प्रोसीजर करती हूँ, उसके बाद ये अच्छा से वॉश कर लेना है, पानी में अच्छा से पूरा क्लीन कर लेना। मैं इसे 2 से 3 बार वॉश कर चुकी हूँ। अब इसे अच्छा से वॉश करने के बाद अलग से एक बर्तन पे ले लेते हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके से बीच से चीरा लगा देना है। उसके अंदर की सीड्स जितना है उसे डिस्कार्ड कर देना है, मतलब उसे निकाल देना। मैं एक चम्मच के हेल्प से ये निकाल रही हूँ, आपको जैसा इजी लगे आप उसी तरीके से निकाल देना, बट कोशिश कीजिएगा अंदर का पूरा पार्ट निकाल देने का, वरना खाते वक्त ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगेगी। फिर इस तरीके से देखिए पूरा एम्प्टी कर दी, इसी तरीके से कीजिए। वैसे ही एक एक करके सब करेला के अंदर की बीज निकाल कर इसे अलग से रख देंगे। और इसके बाद भी प्रोसीजर है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। एक भी स्टेप्स अगर मिस कर देंगे आप लोग तो ये सही नहीं बनेगी। देखिए सब कोई को ये कुकिंग आती है, बट सबकी तरीका अलग होती है, बस मैं अपना ही तरीका शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। अब यहाँ पे देखिए मैं एक बर्तन ले ली, उसमें जितने करेले थे वो मैं डाल चुकी, और यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट में ऐड कर चुकी हूँ। अब इसी सॉल्ट को अच्छा से कुछ वक्त लेके, मैं कम से कम 6 से 7 मिनट्स लेकर इसे अच्छा से मींस स्क्रब की पूरा, जिस तरीके से हम लोग स्क्रब करते हैं, करके इसे अच्छा से 10 मिनट्स रखेंगे, फिर वॉश कर लेंगे। तो देखिए इसे अच्छा से वॉश कर लेना है। मैं 10 मिनट्स रखी थी, आप लोग चाहो, आप लोगों के पास टाइम रहेगी तो आप लोग कुछ देर ज़्यादा भी रख सकते हो। अब मैं उसी वॉश्ड करेले को कुछ देर इसे बॉईल कर लूँगी। ज़्यादा वक्त नहीं बॉईल करनी है, मिनिमम 5 मिनट्स बॉईल करने से इनफ है। ढक के देखिए 2 मिनट्स ढक के बॉईल की, उसके बाद ढक्कन हटा दी। बस हल्का इसे सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं। अब देखिए बॉईल हो चुकी है, इसे पानी से निकाल के रखते हैं अलग एक बर्तन पे। और अब दूसरी जो हम लोग स्टेप करेंगे, तब तक ये करेला को अच्छा से ड्राई होने के लिए एक स्ट्रेनर पे खुला हवा में रख देना है। अब यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले चुकी हूँ, इसमें 2 टीस्पून ऑयल दी, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की अनियन मैं ले चुकी हूँ, ग्रेटेड अनियन, और इसे अच्छा से थोड़ा सा सौते करूँगी। इसे कलर चेंज तक सौते नहीं करना है, कुछ देर ही सौते करना है। उसके बाद ऐड कर देना है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इन सबको कुछ देर, फिर मैं मीडियम फ्लेम पे कुकिंग कर रही हूँ, क्यों हाई करने से ये कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये काफ़ी वाटर अब्जर्व हो चुका है, मींस ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच बेसन, 2 टीस्पून, ये चना का बेसन है, तो इसे अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है, अनियन के साथ ही भूनने से इनफ है। अब मैं ऐड कर दी जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी, मिर्च 1 टीस्पून, और सौंफ पाउडर 1/2 टीस्पून। सौंफ पाउडर ज़रूर देना, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ टैमरिंड का पल्प, आपके पास अमचूर पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। बस इन सबको अब अच्छे से मिक्स करना है कुछ देर लो फ्लेम पे, मीडियम से एकदम ही लो कर दीजिएगा। और उस वक्त पूरा देखिए, क्यों हम ऑयल बहुत ही कम यूज़ किए हैं, इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब इसे अच्छा से ठंडा होने के लिए रख देते हैं एक अलग से जगह पे। देखिए ये पूरा कूल हो चुका है करेला भी, एंड वो मिक्सचर भी। और करेला अगर आपका पास पानी अब मींस नहीं ड्राई होती है आपके करेले की, तो उसे अच्छा से एक कॉटन के कपड़े से आप वाइप भी कर सकते हो। और इसी तरीके से देखिए करेला को हम स्टफ्ड कर देंगे। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ, तो सोचिए आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। अब मैं इसी थ्रेड से इसे अच्छा से बांध लेती हूँ, ये हमारा स्टाइल है।
सबका स्टाइल बोली ना अलग अलग होता है। अब इसे अच्छा से टाई कर देना है थ्रेड से। तो मैं बाकी का करेला को भी सेम प्रोसीडियर यूज़ करके करूँगी। देखिए ये टाई करने से क्या होता है ना, अंदर का जो स्टफिंग रहती है वो बाहर नहीं निकलती है। क्यों, इसके बाद भी एक और प्रोसीडियर है जो हम करेंगे। अब देखिए इस तरीके से टाई करना है। चलिए बाकी का भी कर लूँ। अब यहाँ पे एक कढ़ाई पे ऑयल ले चुकी हूँ, एक एक करके सब फ्राई कर लेती हूँ। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, एकदम मीडियम फ्लेम पे, जिस तरीके से हम लोग फिश फ्राई करते हैं, मछली फ्राई करते, एकदम हल्का हल्का से फ्राई कीजिएगा ताकि अंदर तक अच्छा से कुक हो। एंड आ स्टफ्ड करेला, भरवा करेला इज़ रेडी टू सर्व। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी है, बताना मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कर देना। जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जो फेसबुक से देख रहे हो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर दो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए वीडियो के संग। तब तक आप लोग भी सावधानी से रहो। टेक केयर, टाटा।